ना ये जूता रहेगा ना ही मैं पकड़ा जाऊंगा। क्या कर रहा है भाई, जूता को जला दिया? क्या हो रहा है ऋषभ, मुझे कुछ बताएगा? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐसा करेगा। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। और मैं तेरा बाप हूं, अब तो अपनी नानी के गांव राजगढ़ जाएगा, वहीं के विद्यालय में आगे की पढ़ाई लिखाई करेगा। पापा मैं क्या करूंगा पापा, वापस जाके पापा से बोलो ना। डोंट वरी बेटा, बोर नहीं होगा। तेरी नानी के पास 4 गाय हैं, 2 भैंसे हैं, 1 बकरी है, उनको नहलाना, चारा खिलाना, गोबर उठाना, डोंट वरी। और खेत भी तो है हमारे, पर मेरा फूल जैसा बेटा हल्के से चलाएगा खेतों में। फूल नहीं, फूल है ये। और अगर ये अपने बाप से जबान चला सकता है तो खेतों में हल भी चला सकता है। चल मैं तुझे लेकर जाऊंगा अभी। कहाँ नहीं जाओगे? मेरा मतलब था कि मैं ना पापा बाहर खेलने नहीं जाऊंगा, मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करूंगा। शाबाश वरुण, तो अपने बाप का नाम जरूर रोशन करेगा। पापा सच सच बोल रहा हूँ पापा, बिलीव मी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एज अ फ्रेंड शुभम की हेल्प की, मुझे नहीं पता था पापा उसका असली प्लान क्या है। पापा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ना, पापा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक जूते कई लोगों के पास होते हैं ऋषभ, किसी को कुछ पता चले या ना चले ये बात तुझे पता और अब मुझे भी। पापा सच बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया पापा, पापा 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 सच्ची। हेलो प्रिंसिपल सर, सर कैसे हैं आप? मैं राजीव बंसल बोल रहा हूँ सर, ऋषभ बंसल का पापा। सर आपसे मिलना चाहता हूँ, इमरजेंसी है। नहीं सर बहुत जरूरी है, प्लीज अभी सर इसी वक्त। थैंक यू सर, मैं आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया पापा। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ सर, ऋषभ ने कुछ नहीं किया सर, जो किया शुभम ने किया। हाँ ऋषभ की ये गलती है कि वो शुभम के बहकावे में आ गया, पर 12वीं के पेपर शुभम ने चुराए हैं, ऋषभ ने कुछ नहीं किया सर। प्लीज सर मेरा विश्वास कीजिए, आप तो जानते हैं मुझे। हाँ और मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय मेरे सामने ऋषभ के पापा बैठे हैं, तो मैं आपकी बातों पर यकीन कैसे कर लूं? सर आप ऋषभ को भी तो जानते हैं ना सर, वो कितना अच्छा स्टूडेंट है, वो ऐसी हरकत थोड़ा ना करेगा सर। क्या ऋषभ ने कुछ नहीं किया सर, जो किया शुभम ने किया। परसों से ऋषभ के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आपने तब तक ये प्रूफ कर दिया कि ये ऋषभ ने नहीं किया है तो डेफिनेटली ऋषभ एग्जाम में अपियर हो सकता है, अदरवाइज ऋषभ विल नॉट अपियर इन एग्जाम और उसे स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। वरुण पापा ने कह तो दिया, प्रूफ कैसे करेंगे कि शुभम गलत है और मैं बेकसूर? बहुत डर लग रहा है। उठ। आना। तू क्यों टेंशन ले रहा है यार? ताऊजी कुछ नहीं होने देंगे, चिल करना। ओ बंदरों क्या हो रहा है? ऐसे ये खाना तेरे पापा नहीं लाए, तेरा यार लेके आया। तेरे पापा शायद तुझे भूखा रहने दे सकते हैं, पर तेरा यार तुझे भूखा नहीं देख सकता। नहीं पापा, मैं अपने पापा को जानता हूँ, मुझे भूखा नहीं देख सकते। चिंता मत करना भाई, ना तेरे पापा तुझे कुछ होने देंगे और ना ही तेरा यार। अभी राम के लखन। हाँ। राम ने खाना नहीं खाया तो तूने भी नहीं खाया होगा। पक्का इस बंदर ने नहीं खाया होगा। नहीं खाया ना, तेरे लिए ताई जी लेकर आई हैं। चल पीछे हो।
सुनिए, आप साबित कैसे करेंगे कि ये सब शुभम ने किया है? एक काम कर रिशु, शुभम को फोन कर। स्विच ऑफ आ रहा है। आई गई, फोन बंद करके भाग गया होगा कहीं। सुन, तुझे पता वो रहता कहाँ है? नहीं पता। कोई बात नहीं, इसके पापा का अकाउंट है मेरे बैंक में, एड्रेस तो मैं निकाल लूंगा। किसी भी तरह शुभम से एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, ये सारा कार्यक्रम उसी ने किया है। और इसके लिए सिर्फ 2 दिन है आपके पास। टीटू भैया, हम ये शुभम को ढूंढेंगे कैसे? अरे अगर वो मिल भी गया तो मानेगा थोड़ी कि ये काम उसने किया है। हमें कुछ भी करके ये परसों से पहले साबित करना होगा, टाइम बहुत कम है। भैया हम पुलिस की हेल्प ले ले। क्या बोल रहा है तुम? अब पुलिस को बोलेंगे क्या? अरे बच्चे के भविष्य का सवाल है, भविष्य बर्बाद हो सकता है उसका, पुलिस नहीं। पर भैया अगर कोई अपनी जान पहचान का हो तो हम उसे कहेंगे ना कि अनऑफिशियली हमारी मदद करे, भैया हेल्प हो जाएगी। नीटू पुलिस में हमारी कोई जान पहचान भी तो नहीं है ना। पर भैया बाकेलाल हवलदार है वो। नीटू कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसकी पहुंच ऊपर के लेवल तक हो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.